खबर राजस्थान से। कोटा ग्रामीण जिले में पकड़ा गया एल्विस यादव। पूछताछ के बाद कोटा ग्रामीण पुलिस ने छोड़ा एल्विस यादव को। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एल्विस की रुकवाई थी कार। पूछताछ करने पर कार में एल्विस यादव के होने की आई थी जानकारी। एल्विस को डिटेन कर कोटा पुलिस ने दी नोएडा पुलिस को सूचना। नोएडा पुलिस से बात करने के बाद छोड़ा गया एल्विस यादव। पुलिस ने किया उनके मुकदमे में वांटेड होने से इनकार। तब कोटा पुलिस ने एल्विस यादव को छोड़ा। सर, नाकाबंदी के दौरान ऐसी सूचना मिली थी कि जो बिग बॉस का विनर है एल्विस यादव, उससे आपने पूछताछ की है, तो क्या पूरा मामला है और क्या कहना चाहेंगे? अभी विधानसभा चुनाव 2023 के चलते हुए रूटीन नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम एल्विस यादव करके बताया था। एल्विस यादव को ये पता चला कि नोएडा में कोई प्रकरण दर्ज है। इस संदर्भ में हमने नोएडा में संबंधित थाने के डीसीपी साहब और एसीपी साहब से बातचीत करके और अभी वो वांटेड नहीं होने से उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।